क्वेश्चन नंबर टू जो है वो क्वेश्चन नंबर वन की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने उतार लिया, जैसे उतारते हैं हम वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन वन, ठीक है, टू वन थ्री, यहाँ पे एक्स फोर ज़ीरो है, फोर इक्वल टू थ्री, इसी तरह थ्री माइनस टू, टू वन वन और वन, यहाँ पे एक्स वन ज़ीरो है, ज़ीरो लिख लिया, ठीक है, एक्स टू का कोफिशेंट वन है, एक्स थ्री यहाँ पे ज़ीरो है, एक्स फोर का कोफिशेंट अगेन वन है, एक्स फाइव का कोफिशेंट वन है और इक्वल टू ज़ीरो, ये मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद उसी तरह ही स्टार्ट करेंगे, ये वन बना हुआ है, इसके नीचे मैंने ज़ीरोज़ बनाने हैं, ठीक है। ज़ीरोज़ बनाने के लिए मैं ये ऑपरेशन करूँगी, आर टू माइनस टू आर वन, आर थ्री माइनस थ्री आर वन, ये दो ऑपरेशन हम लगाएंगे, ठीक है। बाकी ये ज़ीरो बना हुआ है इसलिए सिर्फ आर टू और आर थ्री पे ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। ये बन गए ज़ीरोज़, यानी कि सिर्फ आर टू और आर थ्री पे ऑपरेशन लगा है, आर वन और आर फोर ऐसे ही हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे वन चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वन के लिए मैं क्या करूँगी, टू और फोर रो को इंटरचेंज कर दूँगी, ठीक है, यहाँ पे वन आ गया। अब इस वन को फिक्स करेंगे और ऊपर ज़ीरोज़ बनाएंगे, ठीक है। ऊपर ज़ीरोज़ बनाने के लिए ये ऑपरेशन लगाएंगे, आर वन प्लस आर टू आर थ्री माइनस आर टू आर फोर माइनस थ्री आर टू, ठीक है, आर वन आर थ्री और आर फोर पे लगेगा, आर टू फिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अब वन और उसके ऊपर ज़ीरोज़ बन गए, अब यहाँ पे मुझे वन चाहिए, यहाँ पे वन बनाने के लिए मैं माइनस वन से आर थ्री को मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। माइनस वन से आर थ्री को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मेरे पास वन बन गया, इस वन को फिक्स करेंगे और उसके ऊपर ज़ीरोज़ बनाएंगे। अब एक ज़ीरो बना हुआ है तो आर वन और आर फोर पे ऑपरेशन लगेगा, आर वन माइनस आर थ्री, आर फोर माइनस आर थ्री, ठीक है। अब देखो ये वन बन गया और इसके ऊपर ज़ीरोज़, अब यहाँ पे मुझे वन चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बनाते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में रो ऑपरेशन लगाए हैं बिल्कुल वैसे ही लगेंगे, ठीक है। इसको वन बनाने के लिए वन ओवर टू से आर फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, बाकी तीनों ऐसे ही उतार लिया। अब इस वन को फिक्स करेंगे, ऊपर तीनों ज़ीरोज़ बनाएंगे, उसके लिए आर वन माइनस थ्री आर फोर, आर टू माइनस आर फोर, आर थ्री प्लस थ्री आर फोर, ठीक है। अब ये वन बन गया, उसके ऊपर ज़ीरोज़ बन गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, कोई रो भी ज़ीरो नहीं हुई और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ से देखो रैंक ऑफ ए जो हमारे पास क्वेश्चन में था उसके कितनी रोज़ थी, नॉन ज़ीरोज़, एक दो तीन चार, ठीक है, चार उसकी नॉन ज़ीरो रोज़ थी, यानी कि रैंक ऑफ ए जो है मेरे पास फोर है। और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक दो तीन चार, अब जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था उसको हमने रो ऑपरेशन लगाए हैं और उसकी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ भी चार ही निकली, और जबकि अननोन्स की तादाद कितनी है, पाँच, अननोन्स कितने हैं, पाँच। सो ये जो हमने केस पढ़ा था वो सेकंड वाला केस बनेगा। सो इसका सलूशन जो ऐसी सूरत होती है उसका सलूशन होता है नॉन ट्रिवियल। अब नॉन ट्रिवियल सलूशन क्या होता है कि हम इसका सलूशन खुद निकालते हैं, यानी कि यूनिक सलूशन तो नहीं होगा लेकिन हम इसका सलूशन खुद से निकालेंगे, बाय असाइनिंग एनी आर्बिट्ररी वैल्यू टू एनी वन ऑफ अननोन, किसी भी अननोन से x, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो ये मेरे पास लास्ट मैट्रिक्स आया है, ठीक है ना, यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, ज़ीरो एक्स वन, ज़ीरो एक्स टू, ज़ीरो एक्स थ्री, वन एक्स फोर माइनस टू एक्स फाइव इक्वल टू माइनस वन ओवर टू, ठीक है, ये आ गई। इसी तरह एक दो तीन चारों इक्वेशंस निकाल ली, यहाँ से x1 निकाला, एक से x2 निकाला, एक से x3 निकाला और एक से x4 निकाला। अब x5 की हम जितनी वैल्यूज़ खुद से देते जाएंगे उतने x1 बनते जाएंगे, इसी तरह ही x5 की जितनी वैल्यूज़ देते जाएंगे उतने x2 आते जाएंगे, जितनी x5 की यहाँ पे वैल्यूज़ देते जाएंगे उतने x3 आते जाएंगे, इस तरह ये सारा सिस्टम चलता रहेगा। सो इसका ऐसा सलूशन जो होता है जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ दें और डिफरेंट आंसर आते जाएं, एक यूनिक सलूशन नहीं होता, तो क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सलूशन, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर फोर आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, इसका भी यूनिक सलूशन आएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव का भी यूनिक सलूशन आएगा और क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है उसका भी यूनिक सलूशन आएगा। सेवन देख लेते हैं, ठीक है, सेवन में उसी तरह ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने वन बनाया, उसने वन बना लिया मैंने, ठीक है, उसके बाद नीचे दो ज़ीरोज़ बना लिए, फिर इसी तरह यहाँ पे वन बनाया, अब ऊपर दो ज़ीरोज़ बना लिए। यहाँ पे क्या हुआ कि एक पूरी की पूरी रो ज़ीरो आ गई मेरे पास, ठीक है, एक पूरी की पूरी रो ज़ीरो आ गई, जबकि यहाँ पे देखो रैंक ऑफ ए क्या है, एक दो तीन थ्री जो है मेरे पास रैंक ऑफ ए है, ठीक है, रैंक ऑफ ए कितना आया मेरे पास,
टू, ठीक है। यानी कि पहली वाली कंडीशन जो नोट में हमने पहली चीज़ पढ़ी थी कि रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ठीक है, उस इन दोनों के रैंक ही बराबर नहीं आए, सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप लोगों ने खुद से ट्राई कर